दिग्गज अभिनेत्री सुरेखा सीकरी के निधन से टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आज शुक्रवार की सुबह कार्डियक अरेस्ट के चलते 75 साल की उम्र में सुरेखा सीकरी का निधन हो गया। सुरेखा सीकरी बीते लंबे समय से बीमार चल रही थी। साल 2020 में सितंबर के महीने में सुरेखा सीकरी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। वहीं कुछ दिन हॉस्पिटल में वह एडमिट की गई, उनका इलाज चला और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। सुरेखा सीकरी के निधन से फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री के सितारे गहरे सदमे में डूबे हुए हैं और अपने दिल के दर्द को बयां कर रहे हैं। सुरेखा सीकरी के निधन के बाद उनकी जिंदगी से जुड़े कई राज भी खुल गए हैं। सुरेखा सीकरी ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, उन उतार चढ़ाव का सामना किया और उन्होंने खास पहचान बनाई एक्टिंग की दुनिया में। अपने दम पर एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने बेहद बड़ी सफलता हासिल की। ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने खास जगह बनाई बल्कि टीवी टाउन की दुनिया में भी वह जानी गई। टीवी सीरियल बालिका वधु में दादी सा का किरदार निभाया। एक खड़ूस सासू माँ का किरदार निभाकर वह घर घर में काफी पॉपुलर हो गई। आप सभी की प्यारी चहेती दादी सा इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। बता दें आपको कि सुरेखा सीकरी के निधन के बाद कई इंटरव्यूज भी वायरल हो रहे हैं। अपने एक इंटरव्यू में सुरेखा सीकरी ने अपने पति को याद करते हुए अपने दर्द को छलकाया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुरेखा सीकरी के पति साल 2009 में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वहीं उनका निधन हार्ट फेल होने की वजह से हुआ था। 12 साल पहले 20 अक्टूबर साल 2009 में सुरेखा के पति इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। बात की जाए यहां पर सुरेखा के पति के बारे में तो उन्होंने अपने पति को याद करते हुए अपने इंटरव्यू में अपने दिल के दर्द को छलकाया। सुरेखा जहां एक और बालिका वधु के जरिए काफी पॉपुलर हो गई तो उन्होंने अपने टीवी शो को लेकर अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अपनी धारावाहिक कभी नहीं देखती, लेकिन हेमंत को देखना पसंद था, इसलिए हम बालिका वधु के एपिसोड एक साथ देखते थे और वह मुझे इस बारे में चिढ़ाते थे कि हम पृथ्वी के पास नाटकों के लिए जाएंगे, शास्त्रीय संगीत समारोह में भाग लेंगे। इतना ही नहीं, सुरेखा ने बताया कि उनके पति ने उन्हें क्या क्या खाना भी सिखाया। सुरेखा ने अपने इंटरव्यू में आगे ये भी कहा कि वह एक महान कुक थे। जी हाँ, और मैं बॉम्बिल सुरमाई तीसरी खाना सीखती थी। वहीं सुरेखा सीकरी ने आगे कहा कि उसके लिए धन्यवाद। उन्होंने कहा कि वह इतने अच्छे और सज्जन व्यक्ति थे। अपने पति को याद करती हुई सुरेखा ने ये तमाम बातें कहीं और अपने पति को याद करती हुई नजर आई। सुरेखा सीकरी के एक बेटे हैं जिनका नाम है राहुल। राहुल को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें शेयर की। बता दें आपको कि मुंबई में सुरेखा अपने बेटे राहुल के साथ रहा करती थी, लेकिन आज सुरेखा सीकरी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। उनकी यादें हैं जो हर किसी की आंखों को नम कर रही हैं। सुरेखा सीकरी को पल पल याद कर रहे हैं उनके करीबी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री के सितारे। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देख रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।